ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೌರ್ಯ, ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ಮೌರ್ಯ, ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೌರ್ಯ, ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ಮೌರ್ಯ. हाय, कैसे हो आप? सबसे पहले तो गणपति बप्पा, अरे गणपति बप्पा, गणपति जी का आगमन हो चुका है। जी जी जी, आज के मौके पे कितनी खुशी, बहुत ज्यादा खुश हैं, खासकर ये जो हमारे विवान वीर हैं, हेलो, ये सबसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि गणपति जी को लाना और विसर्जन करना और खासकर उनके मोदक चुराना ये इनका काम है, ये उसके लिए बहुत एक्साइटेड है नहीं? यू एक्साइटेड नो? हाँ जी, क्या-क्या स्पेशल चीजें होने वाली हैं? बस गणपति जी आ गए हैं घर पे, तो अब मम्मी और मेरी वाइफ लग गए हैं मोदक बनाने में। घर पे मिठाइयाँ बन रही हैं, अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रकार के खाने बन रहे हैं, और वो हम लोगों का फेवरेट पार्ट है, खाने पीने का। और आरती की वगैरह पूजा की तैयारी हो गई हैं, सब जगह घर में फूल वगैरह लगा के सजाया जा रहा है। और 5 दिनों में हर दिन की क्या प्लानिंग होगी वो लेडीज़ का डिपार्टमेंट है, और हम तो बस वही कर रहे हैं जो हमें बताया जा रहा है। क्या कुछ मेमोरीज है आपके आनंद चाय में? आपको फेस्टिवल ही बहुत प्यारा है। हाँ बिल्कुल, मुंबई में अगर कोई भी रहे तो गणेश उत्सव ऐसा समय है जहाँ पे हर एक की मेमोरी में इसकी कोई खूबसूरत यादें रहती ही हैं। मुझे याद है जब मैं विवान की उम्र का था तो हम लोग समुद्र के किनारे जाके बैठ जाया करते थे, और बड़े बड़े गणेश आया करते थे, ह्यूज। कभी कभी तो मैंने एक कुछ ऐसे तो देखे जो जिनको क्रेन से उठाया जाता था पानी में विसर्जन करने के लिए, तो और बोट्स पे ले जाया करते थे लोग विसर्जन करने के लिए। तो वो सारी मेमोरीज़ हैं, और मुझे याद है कि लोग तब भी आया करते थे ढेर सारी आरती की थालियाँ, मिठाई लेके, और छोटे बच्चों को देख के मिठाई पकड़ा दिया करते थे। तो वो एक बहुत अच्छा माहौल था, बहुत ज़्यादा एक मुझे लगता है कि गणेश उत्सव एक ऐसा समय है जहाँ पे पूरा जो मुंबई शहर है वो एक परिवार की तरह हमारे यहाँ बीच पे उतर आता है विसर्जन के समय। और आप किसी को जाने नहीं जाने, लोग अगर आप आरती उतार रहे हैं तो लोग आ जाते हैं, आपसे थाली के सामने नमस्कार करके आरती ले लेते हैं, कोई लोग कुछ फूल डाल देते हैं, तो बहुत एक प्यारा सा एटमोसफियर रहता है। कोई इको फ्रेंडली गणपति इस बार लेकर आया है? जी और जी, सब लोग बहुत इंटरेस्ट करें। आपके गणपति बप्पा जी क्या इको फ्रेंडली? हाँ, 11 साल से हम इको फ्रेंडली गणपति करते हैं, और ये 11वां साल है, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और जब शुरू किया था तब लोग कहते थे कि उतना सुंदर नहीं लगता है, उतना ये नहीं है, उतना वो नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि लोगों को आदत भी हो गई है और पसंद भी करने लग गए हैं लोग। शाड़ू माटी की जो इको फ्रेंडली गणपति बनते हैं, जिसमें हम वेजिटेबल डाइस से पेंट करते हैं, बड़े खूबसूरत भी होते हैं और पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा भी है, तो उस हिसाब से हम पूरी कोशिश यही करते हैं इको फ्रेंडली रहने की। भाई अगर मोदक की बात करें तो स्पेशल मोदक बनते हैं जी, अवसर पर जी, कितना पसंद है विवेक को खाना वो मोदक, और कभी चुरा कर आपने भी खाया? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो विवान की हरकतें हैं और अमेया जो करती है, जो मेरे बच्चे जो मोदक चुराते हैं, वो पूरी इसी चीज़ की याद दिलाती है मुझे कि किस तरह से हम मोदक चुराने की प्लान करते थे। कभी कभी तो पूजा पूरी हुई नहीं उससे पहले हाथ चला जाता था और चुपचाप से एक आध मोदक मुंह में दबा लेते थे। गणपति बप्पा ने सब कुछ दिया है, बस यही अगर मांगना ही है तो यही मांगेंगे कि जो आजकल इतना एक नेगेटिविटी का माहौल चलता है, कभी औरतों पर अत्याचार होता है, कभी चाइल्ड अब्यूज़ होता है। आज भी आज कैलाश सत्यार्थी जी से मैं मिला, नोबेल पुरस्कार उनको मिला है इस काम के लिए, वो मुझे अपनी पूरी जीवन की कहानी बता रहे थे कि कैसे संघर्ष उन्होंने किया है। तो इस बार गणपति पे मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा, उनकी भारत यात्रा के लिए प्रार्थना करूँगा, जो इतनी विशाल यात्रा है 11,000 किलोमीटर पर चलने वाली, और मैं भी उसमें शामिल होने वाला हूँ, ताकि लोगों में एक जागृति हो। हमारे यहाँ ये भी एक गलत होता है कि किसी बच्ची के साथ में अगर बलात्कार होता है तो लोग उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, उसको पॉइंट करते हैं और बोलते हैं अरे ये बच्ची के साथ हुआ, इसके फैमिली को हुआ। उल्टा होना चाहिए, अगर किसी का बहिष्कार करना है, अगर किसी को ह्यूमिलिएट करना है, तो जिसने किया उसको उंगली उठाना चाहिए कि ये बलात्कारी आदमी है, दिस इज़ द रेपिस्ट। और हमारी बच्चियों को हमें एज अ समाज बहुत सपोर्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू। एनीवे, गणपति बप्पा मौर्य, थैंक यू।